इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक कैनवास लेंगे और कैनवास को देखिए यहाँ रख लेता हूँ मैं आपके सामने, इसे यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 6.5 पर एक निशान लगाएंगे, जिसे 6.5 इंच है तो हम इसे 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, 3.5 पर ऐसे सीधा निशान। और इसे क्या करेंगे हम यहाँ से लेकर ये देखिए ऐसे यहाँ पर मिला देंगे और एक निशान यहाँ से लेकर इधर ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये दोनों हमारे निशान आ जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ पर एक और यहाँ से इस तरह। तो इसे मैं अब कटिंग कर लेता हूँ, यह देख लीजिए इसे इस प्रकार से कटिंग करेंगे हम। ये देखिए ये गला बिल्कुल बेस्ट आएगा। इस पर हम पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग के बाद में एक डोरी निकालकर यहाँ से इस चारों तरफ घुमाकर आपको बताएंगे कि ये डिज़ाइन किस तरह से सुंदर लगेगा। और इस प्रकार की डिज़ाइन देखने के लिए आप चलिए चलते हैं मशीन पर। यह अब इसे कटिंग कर लीजिए जितना कपड़ा एक्स्ट्रा हो अंदर। अब ये कटिंग हो गया, अब हम इसे गले पर चिपका लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार से एक सेंटर का हम छटका उठा लेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमारा सेंटर है। और ये देखिए यहाँ पर भी हम इसे ऐसा रख लेते हैं और एक नाखून लगा करके इस सेंटर को ऐसे जमा लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने सेंटर जमा लिया और इसे भी एक छटका लगा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटर है और इसे यहाँ पर सेंटर से रखकर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इस निशान। अब जो हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कैनवास के जस्ट बाजू से होगी, ना कि कैनवास के ऊपर चढ़े सिलाई, कैनवास के ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए सिलाई ने। तो शुरू करते हैं इसे। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे, जो अंदर का जो कपड़ा है इसे छटिंग कर लेते हैं। पहले देखिए बिल्कुल कोने तक जान दीजिए।
फिर पाइपिंग लगाकर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो ये कोने रहते हैं हमारे, इन्हें पलटा लीजिए। ये देखिए ये निकल गया कोना, एक कोना इस तरफ भी है, इसे भी आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये हमारे कोने निकल गए हैं दोनों। अब जैसे ही कोने निकल गए तो गला बिल्कुल आपोआप निकल जाएगा। ये देख लीजिए बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे हम पलटा लेंगे। देख लीजिए ये हमने गला पूरा पलटा लिया है। ये देखिए ये हमारा गला सही साठ पलट कर पूरा निकल चुका है। अब इस पर क्या करना है, हमें पाइपिंग बनाना है। तो पाइपिंग बनाने के लिए हम इसे इस तरफ सीधा रख लेंगे पहले, और ये देखिए जो खिंचाव आ रहा है यहाँ पर, तो इसे इस तरह से थोड़ा खींच कर सही कर लीजिए। अब मैं इसकी पाइपिंग बनाना आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं इस पर एक सिलाई लगाऊंगा पाइपिंग, और पाइपिंग के बाहर से हम इस पर गोल्डन वाली लेस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे पहले। ये देखिए अब मैंने इसे सिलाई लगा ली है, अब हम इस पर पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग के लिए देखिए मैंने इस प्रकार से पाइपिंग का कपड़ा मोड़ के रखा हुआ है पहले से ही, इसी कपड़े को हम पाइपिंग में लगाएंगे। अब देखिए प्रॉब्लम ये आती है हमेशा कि जैसे ये पूरा गला है बना हुआ, तो अब पूरे गले पर पाइपिंग किस प्रकार से शुरू करें, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो ध्यान रखिए मैं आपको आज बताता हूँ, ये जो सेंटर रहता कहीं पर भी, हम यहाँ से इस पाइपिंग को शुरू कर सकते हैं और यहीं पर आकर हम ख़त्म भी कर देंगे। तो किस प्रकार से करेंगे आपको मैं बताता हूँ। तो ये मैंने देखिए शुरू की है पाइपिंग यहाँ से, जो हमारे बीच का भाग है उस जगह से। अब पाइपिंग का कपड़ा थोड़ा सा बाहर रखिए और बिल्कुल किनार से सिलाई चलाते जाइए। ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई चलाना चालू कर दी है, और इस ओर भी। अब ये देखिए मैंने इस सिलाई को पूरी कंप्लीट कर ली है, और देखिए ये जो जॉइंट लगेगा हमारा यहाँ पर, देखिए इस जॉइंट पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ लाकर देखिए इसके ऊपर चढ़ा दिया। अब जब हम अंदर मोड़ेंगे तो ये हमारी बिल्कुल इस तरह मुड़ जाएगी, और पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर हमारा जॉइंट था। तो अब हम इसको अंदर मोड़ देते हैं, देखिए पाइपिंग को यहाँ से, तो हमारे कहाँ पर तकलीफ़ जाएगी उस जगह पर हम छटके लगा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक छटका लगा लिया, एक ये देखिए नीचे लगाना पड़ेगा हमें, जहाँ पर भी कोना आएगा वहाँ पर हमें छटका लगाना पड़ेगा। तो ये दो जगह मैंने लगा लिए हैं, और अब यहाँ पर से पाइपिंग में शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसी जगह से मैं पाइपिंग स्टार्ट करूँगा।
देखिए, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, जब इस प्रकार के हम कोई मोती में दो डोरी को इकट्ठी डालेंगे, तो दो डोरी को जब हम इकट्ठी डालते हैं तो हम देखिए इस प्रकार से एक सुई में इसे बांध लेते हैं और सुई को इसमें डाल देंगे, तो क्या होगा, अब ये जो दोनों डोरियां है इस बारीक से होल में से भी पास हो जाएगी, ये देखिए इस प्रकार से। तो कभी भी ध्यान रखिए, इस तरह से इसे लॉक कर लीजिए सुई पर और लगा दीजिए, तो ये बड़े आसानी से बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ इसको, और यहाँ इसलिए रख रहा हूँ, और सिलाई में कहाँ चलाऊँगा, इस जगह पर, इस जगह पर इसलिए चलाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मैं अभी लेस लगाने वाला हूँ गोल्डन कलर की, जिससे हमारा गला और भी सुंदर हो जाएगा। तो मैं इस जगह से रखकर इस पर सिलाई लगाता हूँ। ये देखिए, अब इस डोरी को हम यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से, ध्यान दीजिए बराबर सेंटर आ जाए, ऐसे रख लीजिए इसे, ये देखिए, तो थोड़ा सा और ये लगा देते हम। ये अच्छे से पक्का कर लीजिए ताकि ये टूटे ना, ये देखिए। अब इसे हम इस तरफ भी लगा देंगे, ये हमने हटाया, और यहाँ पर देखिए आप, जितना इस तरफ हमने ढीला छोड़ा है उतना ही इधर भी छोड़ेंगे, ताकि पहनने में ये जब खिंचाएगा तो बराबर आ जाएगा। अगर एकदम फिट रख देंगे इसे, तो कभी थोड़ा बहुत पहनने में खिंचाव आया तो ये टूट जाता है, इसलिए हल्का सा इसे लूज रखिए इस तरह से। जब भी हम काम करते हैं तो हमें थोड़ी दूर तक की सोचना चाहिए, जब ही काम हमारा चल पाएगा, क्योंकि फिनिशिंग और फिनिशिंग के साथ जब फिनिशिंग टिकेगी, जब आप ग्राहक के बारे में सोचेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट लग गई है। अब हम इस पर लेस लगाते हैं, तो लेस किस प्रकार से लगाएंगे आप देख लीजिए आप, और कभी भी वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। यह देखिए दोस्तों, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अवश्य बताइएगा। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और न्यू डिज़ाइन के हिसाब से हमने इसे बनाया है, तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।